हैं, काफी सारे ट्विस्टर हैं, हॉर्स हैं, वॉकर्स वगैरह भी होते हैं, प्राइम और ट्राईसाइकिल काफी सारे होते हैं, काफी सारे आइटम्स राइड ऑन बाइक वगैरह है और कार जीप वगैरह में भी काफी सारी वैरायटी है हमारे यहाँ पे। तो मोस्टली हम होलसेल में ही करते हैं, अगर रिटेल कस्टमर आते हैं तो वो भी हम अटेंड कर लेते हैं। ओके सर, इसे स्कूटर बोलते हैं ये सब? सर ये तो है 1000 रुपीज से स्टार्टिंग होता है, 1000 रुपीज से स्टार्टिंग है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह के जो है सब अलग अलग डिफरेंट साइज में आते हैं। डिफरेंट साइज में आते हैं। ये रॉकिंग चेयर है। अगर सर हम इसका रेट जानना चाहें तो इसका रेट क्या होगा सर? सर रेट तो होलसेल में ज़्यादातर हम डीलिंग करते हैं, तो आगे कस्टमर को बेचने में प्रॉब्लम आएगा, तो वो हिसाब से हम लोग तो रेट बताना पॉसिबल नहीं है। तो रेट अगर जानना चाहेंगे तो क्या करना होगा? विजिट करना पड़ेगा आपको, यहाँ विजिट करना होगा। जो दूर बैठे हुए हैं वो कॉल से रेट पता कर सकते हैं, कॉल से व्हाट्सएप के जरिए पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, 1000 से 1500 के बीच में ही है सर, 1000 से 1500 के आसपास है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो देखिए बच्चों के काफी सुंदर सुंदर है, अलग अलग मॉडल में है। ये सब भी लगभग जो है 700-800 रुपए से जो है रेंज शुरू हो जाता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है सर? सर ये वॉकर है। वॉकर है जी, बच्चों के वॉकर। हाँ, 6 मंथ्स के लिए होता है, जो बच्चे चलने के लिए। 6 मंथ के लिए वॉकर है। ये भी वॉकर है जी, ये भी वॉकर है। देखिए बिल्कुल अलग है इस तरह के आइटम जो है, 8 महीने 9 महीने के बच्चे के लिए वॉकर है ये। देखिए इस तरीके से वॉकर है यहाँ पे, और ये काफी जो है प्रीमियम लुक में है। वॉकर के यहाँ पे आपको काफी सारे मॉडल जो है दिखाई दे देंगे। और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं सर? सब स्विंग कार और ट्विस्टर कहते हैं इसको। ये अलग अलग मॉडल के हैं दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिए। यहाँ से आप होलसेल में परचेज कर सकते हैं, और यहाँ रेट जो है बिल्कुल ओपन नहीं किया गया है, तो रेट के लिए आप जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और देखिए इस तरीके से जो है आपको अलग अलग मॉडल के जो है काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा साइज हो जाता है ना, ये लगभग क्या है शुरू हो जाता है सर? 500 से लगभग स्टार्टिंग है। ठीक है, हम बच्चों के देख रहे हैं ये खिलौने, जेसीबी वगैरह है। ये क्या इलेक्ट्रिक है, चलते हैं सर? ये इलेक्ट्रिक भी है, इसमें नॉन इलेक्ट्रिक भी है, नॉन इलेक्ट्रिक भी है, इलेक्ट्रिक भी है, दोनों वेरिएंट में आते हैं। दोनों वेरिएंट में है, बच्चों के लिए जो है खेलने का बहुत अच्छा जुगाड़ है। हालांकि इसे चला भी सकते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक भी है नॉन इलेक्ट्रिक भी है इस तरीके से। ये देखिए ये प्रॉक्स क्या शुरू हो जाता है सर? ये इलेक्ट्रिक है जी, ये शुरू कितने से शुरू हो जाता है सर? ये 2000 से है बैटरी ऑपरेटेड में। ओके, बैटरी ऑपरेटेड जो है वो 2000 से, और बिना बैटरी वाला सर? बिना बैटरी वाला तो 1500-1600 इस तरह। ठीक है, तो ये सब बैटरी वाला है, ये भी ध्यान रहे ये वाला बैटरी का है जो हम देख रहे हैं। इसका नाम क्या है सर? जेसीबी राइड ऑन्स बोलते हैं इसको, जेसीबी राइड ऑन्स। ठीक है, इससे क्या म्यूजिक वगैरह देते हैं ये? इससे क्या मिट्टी उठाया जा सकता है? नहीं, ये तो खिलौना है। खिलौना है बिल्कुल, चोट उट तो नहीं लगेगा सर इससे? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो है लेफ्ट राइट करने के लिए है जी। वाओ, म्यूजिक गाना मत कर। ये प्रॉक्स क्या होगा सर? इसका प्राइस अप्रॉक्स 3000 के आसपास। बच्चों के स्विंग है, झूला है बिल्कुल। ठीक है, देख सकते हैं सब अलग अलग जो है मॉडल के हैं यहाँ पे। वाह, देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है ये सारे सैंपल लगे हुए हैं, एस4 सैंपल। जब आप लेंगे ना तो आपको जो है पूरा पैकिंग में पूरी गत्ती के साथ मिलेगा सैंपल के तौर पे। ये इसमें स्टार्टिंग क्या हो जाता है सर? 2500 से 5000 की रेंज में आते हैं सारे, 2500 से शुरू हो जाता है। देख पा रहे हैं, देखिए कार के जो है काफी सुंदर सुंदर यहाँ पे मॉडल है। और देखिए ये सब जो हम देख रहे हैं ना, ये सब इलेक्ट्रिक है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है ना। कार में किस रेंज से शुरू हो जाता है सर? कार में 5000 की रेंज से स्टार्ट है, अच्छी क्वालिटी। देखिए ये ऐसे ही करता रहेगा क्या? नहीं, ये तो काफी बड़ा है ये। ठीक है, इसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये कितना बैकअप क्या देता है सर? बैकअप कितना होता है इसका?
सर ये 12 वोल्ट और 6 वोल्ट में आता है, 12 वोल्ट का बैकअप थोड़ा ज्यादा होता है, घर की बिजली से चार्ज हो जाता है जी, घर की बिजली। और ये अगर हम एक बार फुल चार्ज कर दें तो ये कितना देर चलेगा कंटिन्यू? 6 घंटा चार्ज करने पे 1.5-2 घंटा चलता है। यहाँ पे आपको कार के साथ जो है बाइक भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो स्कूटी के मॉडल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये एलिफेंट के मॉडल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे पांडा के मॉडल जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सर जो हम देख रहे हैं इसमें क्या अप्रोक्स स्टार्टिंग हो जाता है सर? ये 2000 से है स्टार्टिंग, 2000 से स्टार्टिंग है। और अगर हम छोटे में आए जैसे छोटा साइज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब किस रेंज से शुरू हो जाता है? सारे 2000 रुपीस के, 2000 से लगभग शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रहे 2000 से शुरू है। मैं एक छोटा सा कार भी देखने को मिल रहा है, देखिए कार यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक स्लाइडर, 2 साल 1.5 साल के बच्चे जो है इसके ऊपर चढ़ के और के लिए ऐसे ससर सकते हैं नहीं जी। और किस रेंज का है सर? सर ये 3000 से 5000 की रेंज में है, इसमें भी 4-5 मॉडल है। ठीक है, मटेरियल का प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक काफी हैवी प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। ठीक है, ये अलग हो जाता है यहाँ से, बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो गया, एक बॉक्स में आएगा, बॉक्स में आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है सर? जी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक है। ठीक है, और ये भी लगभग जो है 2000 के आसपास से शुरू हो जाता है जी। ठीक है, इसमें जो मॉडल है मॉडल के हिसाब से रेट लगने वाला है, क्वालिटी के हिसाब से रेट लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि काफ़ी सारे मॉडल है, अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊं तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको जो है 10-15 मिनट की वीडियो में जो है बता पाऊँ। बट आप व्हाट्सअप पर जो है जानकारी ले सकते हैं। मॉल में विजिट करना चाहता है तो कैसे आ सकता है, एक बार एड्रेस गाइड करें सर। यहाँ से रेलवे स्टेशन मस्जिद बिल्कुल पास में है, आप CST रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो, नियर क्रॉफर्ड मार्केट और चकला स्ट्रीट, ये चकला स्ट्रीट है, शॉप का नंबर 209 है, आप कभी भी विजिट कर सकते हो यहाँ। ठीक है, कोई आसपास से कॉल करता है सर मैं भटक रहा हूँ इस जगह पे हूँ तो थोड़ा सा गाइड कर देंगे? बिल्कुल 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 गाइड कर देंगे। ये मुंबई में है, यहाँ का पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो आप जो आइकॉन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं अगर वो वीडियो पब्लिश हो चुका है तो, क्योंकि नीचे का फ्लोर जो है पूरा खिलौना से बड़ा हुआ है और ये सेकेंड फ्लोर है, आपको उस वीडियो में भी काफी कुछ जो है देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।